हेलो, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य, और आज हम अपने वीके जायसवाल के क्वेश्चन आंसर की सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन 86 में हमसे पूछ रखा है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो मैं आपको एक ही बार में यहाँ पे सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन की बराबर होती है। उसके बाद आता है ब्रोमीन की, फिर आयोडीन, सल्फर और कार्बन इन सब की बराबर होती है, फिर फास्फोरस, हाइड्रोजन, फिर आता है बोरॉन, फिर आता है सिलिकॉन। तो ये ऑर्डर होता है। वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इस ट्रेंड को ध्यान रख सकते हैं। आप इसको किस ट्रिक से याद कर सकते हैं, फोन क्लर्बिस, इस टाइप से बोल के देखिए, फोन क्लर्बिस। तो इससे आपको ये ध्यान रह जाएगा। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन की बराबर, फिर ब्रोमीन, फिर ISC, PH, बोरॉन, सिलिकॉन। तो ये मैंने ऑर्डर लिखा दिया आपको, ये आपको ध्यान ही रखना है। आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। अगर आप इस ऑर्डर से देखोगे सबसे ज़्यादा इसमें से कौन सा ऑप्शन सेट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके पास सेट हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन की सबसे कम है जो बी ऑप्शन में ही दे रखा। तो ये हो जाएगा आपके पास। तो इसको आप ध्यान रखिए, बहुत काम करेगा आपको ये ऑर्डर। फोन क्लर्बिस से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 87। क्वेश्चन 87 में हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम इज। तो यहाँ पे देखिए CH4 लगा हुआ है, CF4 बोला हुआ है यहाँ पे, CF4। अब देखो यहाँ पे फ्लोरीन कैसा ग्रुप होता है, फ्लोरीन होता है आपका माइनस आई ग्रुप। तो जैसे जैसे इसके ये क्या करेगा, कार्बन से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर ये कार्बन से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पे क्या आता जाएगा, डेल प्लस पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को और अच्छा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यानी आप देखोगे कि जैसे जैसे एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन, तो इसमें इसके कंपैरिजन में कम होगा। और लास्ट में क्या लगा हुआ है, सिलिकॉन। हमको पता है कि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, तो ये ऑर्डर तो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी लिखा हुआ है। हमको पता है कि हाइड्रेशन एनर्जी आपकी कैसी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज अल्मोनियम का सबसे ज़्यादा, सबसे आगे, फिर इन दोनों में साइज से कंपेयर कर लिया, बेरिलियम का साइज छोटा है इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम और सोडियम में आपका साइज सबसे कम है, तो चार्ज सबसे कम है इसलिए लास्ट में। और इन दोनों में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, चार्ज इज मोर डोमिनेटिंग फैक्टर देन साइज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पे देखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट आप देखोगे Ni+4, Vn+3 और Sr2+। तो इसका आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, जैसे निकिल प्लस फोर का मतलब क्या हो जाएगा, निकिल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4H2 3D, आयरन कोबाल्ट निकिल 3D8। तो इससे अगर आप चार इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3D6 में, ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, 3D6 में। वेनेडियम प्लस थ्री का मतलब क्या हो जाएगा, वेनेडियम कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4H2 3D3, तो प्लस थ्री करोगे तो ये किस में आ जाएगा, 4H2 में। और Sr2+, तो ये कहाँ पे आता है, Sr2+ हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, Sr2+ हमको देखने को मिलता है ग्रुप 2 में, तो ग्रुप 2 का लास्ट है। तो इस तरीके से देखोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर कंपेयर करोगे तो निकिल प्लस फोर, फिर वेनेडियम प्लस थ्री और Sr2+ करोगे तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, जबकि आप अगर इन जनरल कैलकुलेट करोगे तो इसका और इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप क्या देखोगे, बराबर ही देखोगे। वेनेडियम प्लस थ्री बोलोगे तो भी क्या हो जाएगा, 4H2 3D3, तो तीन इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, 4H2 3D3 से तीन इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3D2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके लिए तो पूरा का पूरा ऑक्टेट ही कंप्लीट है, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट 3D6 का आ जाएगा, फिर 3D2 का आ जाएगा और फिर Sr2+ का आ जाएगा। तो ये ऑर्डर जो लिखा हुआ है ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वाले ऑर्डर को हम देख लेते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा एटम का साइज होगा उसके द्वारा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ये ध्यान से सुन लीजिए, जितना ज़्यादा एटम का साइज होगा उसके द्वारा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी को ही कंपेयर करें तो फ्लोरीन का साइज़ है छोटा, जिसकी वजह से उसका हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगी ज़्यादा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा तो फ्लोरीन के अगल बगल ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड की रहे होंगे। तो अगर हम साइज़ कंपेयर करते हैं, जस्ट अगर हम साइज़ कंपेयर करते हैं तो Cl- की साइज़ F- से ज़्यादा है, ये नॉर्मल है। लेकिन एक्वस स्टेट में कंपेयर करोगे तो फ्लोरीन माइनस एक्वस की साइज़ ज़्यादा हो जाएगी, Cl- एक्वस, ये हो रहा है। क्योंकि जैसे नॉर्मली Cl- ज़्यादा है फ्लोरीन माइनस से, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन का
हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो एक्वस स्टेट में फ्लोरीन माइनस की साइज ज़्यादा हो जाएगी सीएल माइनस से। तो अगर ऐसा हो जाएगा यहाँ पे तो आप देखोगे कि फ्लोरीन की साइज़ हो जाएगी बहुत बड़ी, जिसकी वजह से इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा वो भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में हो जाएगी दिक्कत। तो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है यही आपका गलत लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 86। क्वेश्चन 86 में हमसे पूछ रखा है कि आपका इसमें से करेक्ट इलेक्ट्रो जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो कौन सा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये बस आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन ही है, तो इसको आपको बस ध्यान में रखना है और इसमें एज सच कोई भी लॉजिक नहीं है, इसमें आप डी ऑप्शन को ध्यान में रख सकते हो, ये ऑर्डर है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे नहीं जाते, हमें अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये आपका एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, बस एक बार आप पढ़ लीजिए इसको। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे वीके जायसवाल के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो उसको आप कमेंट में मेंशन करें, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।